हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। देखो, आरपीएससी कॉलेज लेक्चर का जो थर्ड पेपर है उसके लिए मैं आज मॉडल पेपर का एक डेमो लेके आया हूँ। हम बिल्कुल मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से टाइपिंग चल रही है उनकी, ठीक है। तो आज मैं बिल्कुल हैंड रिटन में आपको एक मॉडल पेपर दे रहा हूँ। 10 क्वेश्चन है इसमें, बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पूरे पूरे मॉडल पेपर रहेंगे, ठीक है। तो आप यदि बहुत शानदार वाला स्कोर करना चाहते हो, यहाँ पर आप अपनी एक सीट फिक्स करना चाहते हो, यदि आप कॉलेज लेक्चर में एक सीट फिक्स करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर जो थर्ड पेपर होगा उसमें 40 प्लस नंबर लेके आना, ठीक है। यहाँ पर एक सीट फिक्स उसी की होगी जिसके 40 प्लस नंबर आएंंगे थर्ड पेपर में। डायरेक्टली बोलूं मैं तो जो 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करेगा उसका ही सिलेक्शन होगा, बिल्कुल श्योर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ, बहुत शानदार वाले हैं, सारा सब कुछ बिल्कुल फुल डिटेल से बताने वाला हूँ आपको। तो एक बार हमारे इस मॉडल पेपर को ज़रूर ज्वाइन करें और इस वीडियो को भी बिल्कुल लास्ट तक देखें। इसके अलावा यदि आप इंटरेस्टेड हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है। किसका? टेलीग्राम ग्रुप का, जो पब्लिक है, सभी के लिए फ्री है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिख के आए हैं हम कि राजस्थान के वनों के संबंध में भारत वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब ये आपके साथ कुछ कथन है चार, इनके ऊपर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि भारत के कुल वन क्षेत्रों में राजस्थान का योगदान 4.28% है। राजस्थान का कुल 13% भाग वनाच्छादित है। राज्य में आरक्षित वनों से संरक्षित वनों का क्षेत्रफल ज्यादा है, ठीक है। राजस्थान में आरक्षित वनों से संरक्षित वनों का क्षेत्रफल ज्यादा है। इसके अलावा अब आपके पास ये टोटल तीन कथन है, कथन एक, कथन बी, कथन सी, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो बताओ कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल आपके सामने है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सही आंसर है ए और सी, जो ऑप्शन पहला और तीसरा है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ये भी सही है कि भारत के कुल वन क्षेत्रों के राजस्थान का योगदान 4.28% है, बात बिल्कुल सही है। राज्य में आरक्षित वनों से संरक्षित वनों का जो क्षेत्रफल है वो बिल्कुल ज़्यादा है, ठीक है। और जो ये वाली बात है कि राज्य का कुल 13% भाग वनाच्छादित है, ये यहाँ पर गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा आगे चलो, देखो इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सारी समझाता हूँ आपको मैं। राज्य का कुल 9.57% भाग वनाच्छादित है, वहाँ पर 13% लिखा हुआ था लेकिन वनाच्छादित भाग कितना है? 9.57% भाग, ठीक है। कुल वन आच्छादित क्षेत्रफल की बात की जाए कि राजस्थान का कुल कितना क्षेत्रफल है जो वनों से आच्छादित है, तो हम पाएंगे 32,737 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है जो वनों से आच्छादित है, ठीक है। राजस्थान में आरक्षित वन, यदि हम आरक्षित वनों की बात करें तो 13,475 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है जो राजस्थान में वनों से आरक्षित है, और राजस्थान का 18,217 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ऐसा क्षेत्रफल है जो कैसा है, जहां पर संरक्षित वन है, ठीक है। तो यह ध्यान रखना कुल आरक्षित, ठीक है, ध्यान रखना, यदि परसेंट में पूछे तो 9.57%, क्षेत्रफल में पूछे कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है, तो 9.57%। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का कुल कितना क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है, तो 32,737 वर्ग किलोमीटर, और यदि आरक्षित वनों का क्षेत्रफल पूछे तो 13,475 वर्ग किलोमीटर, और यदि संरक्षित वनों का क्षेत्रफल पूछे तो 18,217 वर्ग किलोमीटर, और यदि अवर्गीकृत वनों के बारे में पूछे कि राजस्थान का कुल कितने क्षेत्रफल पर अवर्गीकृत वनों का विस्तार है, तो वो आएगा 2,045 वर्ग किलोमीटर,
ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेन समझाया आपको। अब देखो भाई लोगों, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। एक क्वेश्चन सोल्व करवाया, आपके पांच क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। साथ में ये ऐसे फैक्ट है जहाँ पर आप कन्फ्यूज भी हो सकते हो, तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज भी नहीं होगी क्योंकि आपको ये सारे डेटा एक साथ मिल गए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर, मेवाड़ का अनल्स उपनाम से प्रसिद्ध रचना राजस्थान के किस रचनाकार के द्वारा लिखी गई थी? दौलत विजय के द्वारा, मुहेरनोत नैनसी के द्वारा, श्यामल दास जी के द्वारा, सज्जन सिंह के द्वारा। बताओ मेवाड़ का जो अनल्स है, वो प्रसिद्ध जो रचना है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मेवाड़ का जो अनल्स है वो किसके द्वारा लिखा गया था प्यारे साथियों? वो लिखा गया था दौलत विजय के द्वारा। किसके द्वारा? दौलत विजय के द्वारा। दौलत विजय ने एक रचना लिखी जिसका नाम था मेवाड़ का अनल्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। राजस्थान के, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, राजस्थान के साहित्यिक इतिहास में अब तक की ज्ञात प्राचीनतम राजस्थानी रचना है। राजस्थान के साहित्यिक इतिहास में अब तक की ज्ञात प्राचीनतम राजस्थानी रचना है अमर काव्य बृहदेश्वर बाहुबली दौर, अचलदास खिचड़ी वंचनिका मोहनोत्तरा मारवाड़, ठीक है। यहां पर ये चार बुकों का नाम लिखा हुआ है, आपको बताना है कि राजस्थान के साहित्यिक इतिहास में अब तक की ज्ञात सबसे प्राचीनतम राजस्थानी रचना कौन सी है? अमर काव्य है या भरतेश्वर बाहुबली गौर है या फिर अचलदास खिचड़ी वंचनिका है या मोहनोत्तरा मारवाड़ है? बताओ यहां पर सही आंसर क्या आने वाला है, आपको बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होने वाला है यहाँ पर भरतेश्वर बाहुबली गौर। क्या है? भरतेश्वर बाहुबली गौर है जो राजस्थान की ज्ञात सबसे प्राचीनतम रचना मानी जाती है। अब हम थोड़ा सा इस रचना के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन ही मैं टाइप करवा रहा हूँ, ध्यान रखना, मॉडल पेपर में बिल्कुल पूरा इसी तरीके से मिलेगा, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसी तरीके से आपको उनका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं ये जो रचना लिखी गई थी भरतेश्वर बाहुबली गौर के बारे में। इसके जो लेखक थे वो थे व्रजसेन सूरी। कौन थे? व्रजसेन सूरी थे और उन्होंने ये लिखी थी 1168 में, ठीक है। व्रजसेन सूरी के द्वारा 1168 में ये रचना लिखी गई थी, ठीक है। और जो ये रचना थी ना वो मरु भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? मरु भाषा में लिखी गई थी। और इस ग्रंथ में भरत व बाहुबली के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है, ठीक है। जो ये बुक है इसमें भरत और बाहुबली के बीच में युद्ध हुआ था उस युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? आपको बताना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 233, 243, 212 या 213? बताओ यहां पर सही आंसर क्या है, सभी को बिल्कुल सही ढंग से बताने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो यहां मैं बताता हूं, देखो इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप ये मॉडल पेपर खरीदना चाहते हो, कितने मॉडल पेपर रहेंगे टोटल? देखो मॉडल पेपर 13 तो रहेंगे कंप्लीट सिलेबस के मॉडल पेपर। कितने? 13 मॉडल पेपर रहेंगे जो कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए रहेंगे, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटिकल कल्चर, राजस्थान इकोनॉमिक्स और राजस्थान करंट, सारा सब कुछ इंक्लूड रहेगा। ऐसे रहेंगे टोटल 13 मॉडल पेपर, तो हम बोल सकते हैं 1300 क्वेश्चन, ठीक है। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन रहेगा और हर क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको कम से कम 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जो सॉल्यूशन है, जो डिस्क्रिप्शन है, वो 3 क्वेश्चन मिनिमम रहेंगे उसमें। तो इस तरीके से यदि आप एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे पूरे को, तो आपके टोटल 4 क्वेश्चन तैयार होंगे, एक तो क्वेश्चन से और 3 उसके डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो इस तरीके से हम टोटल बोल सकते हैं आपको 5200 के आसपास आपके टोटल क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। यदि आप ये बैच लेते हो तो आपके 5200 के आसपास क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा आपको
तीन मॉडल पेपर मिलेंगे करंट अफेयर के, और एक मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो करंट अफेयर के आपको 300 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 300 आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे, वही फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी क्या रहेंगे, वही 3 से 4 क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो आप यदि ये बैच लेते हो, चार्ज है ओनली 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये में आपको 5200 के आसपास अति महत्वपूर्ण कंप्लीट सिलेबस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्लस में आपको 900 के आसपास अति महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें हम 2020 का 2021 का दोनों करंट इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अभी एक सस्पेंस बना हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि पेपर ऑलरेडी तैयार हो चुका है, तो यदि पेपर ऑलरेडी तैयार है तो करंट पिछले साल का भी पूछेगा, और यदि करंट पेपर ऑलरेडी तैयार नहीं है, पेपर आगे तैयार किया जाता है, तो आगे का करंट भी पूछेगा और पीछे का भी पूछेगा। इसलिए हम ये जो क्वेश्चन देंगे आपको 900 के आसपास करंट के क्वेश्चन, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण रहेंगे, 2020 के 2021 के कंप्लीट करंट को कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ले सकते हो ये बैच, नाम मात्र चार्ज है 200 रुपये, और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470। इनके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर चैट कर सकते हैं, और बैच के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शानदार वाले मॉडल पेपर तैयार करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो भाई साहब, यहाँ पर सीधी बात बता देता हूँ मैं, 233 अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के उपरांत। ठीक है, ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और जब राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो उससे पहले वो जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, उसके किससे, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। ठीक है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जज है, वो परामर्श देता है राज्यपाल को, और राज्यपाल चीफ जज से परामर्श लेकर अनुच्छेद 233 के अकॉर्डिंग क्या करता है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी एक समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सी एक समिति है जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। अशोक मेहता समिति, जी वी के राव समिति, वी एन तारकुंडे समिति, या बलवंत राय मेहता समिति, आपको बताना है कि कौन सी एक समिति है जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। यहाँ पर तीन ऐसी समितियां हैं जो पंचायती राज से संबंध रखती हैं, लेकिन एक ऐसी समिति है जो पंचायती राज से कोई संबंध नहीं रखती। ठीक है, तो हम उसका आंसर बताते हैं। यहां पर देखो, ऑप्शन सी, जो वी एन तारकुंडे समिति है, वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। कौन सी? वी एन तारकुंडे समिति। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये वी एन तारकुंडे समिति फिर किससे संबंधित है, ध्यान से सुनो। देखो, वी एन तारकुंडे समिति का गठन कब हुआ था, 1980 में हुआ था। ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है आपका, कि वी एन तारकुंडे समिति का गठन 1980 में हुआ था, ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो जो वी एन तारकुंडे समिति है, जिसका गठन 1980 में हुआ था, वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं पंचायती राज से संबंधित समितियां। तो पंचायती राज से पहली जो पंचायती राज है, उससे संबंधित पहली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में, अशोक मेहता समिति, जो 1977 में, और जी वी के राव समिति, जो 1985 में। ठीक है, तो ये सन आपको अच्छे से याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि ये तीनों की तीनों समितियां पंचायती से संबंधित थी। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, और जी वी के राव समिति 1985। और मैंने इससे पहले बता दिया, वी एन तारकुंडे समिति जो 1980 से संबंधित है, जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 11वें राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के वर्चुअली आयोजित समारोह में प्रदेश के कितने उद्यमियों एवं संस्थानों को प्रथम पुरस्कार से 14 दिसंबर 2020 को सम्मानित किया गया।
ग्यारहवें राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के वर्चुअली आयोजित समारोह में प्रदेश के कितने उद्यमियों एवं संस्थानों को प्रथम पुरस्कार से 14 दिसंबर 2020 को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 25। बताओ यहां पर सही आंसर क्या होगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो देखो यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टोटल 17 संस्थानों को, किसको, 17 संस्थानों और उद्यमियों को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखना प्रथम पुरस्कार कितने कैंडिडेटों को दिया गया था, टोटल 17, जिसमें संस्थान और उद्यमी दोनों के दोनों शामिल थे। ठीक है, इसके अलावा हम आपको पूरा डिटेल से बता देते हैं, इसमें 4 श्रेणी के पुरस्कार शामिल थे। पहला श्रेणी का जो पुरस्कार था वो 17 लोगों को दिया गया था, द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार 10 कैंडिडेटों को दिया गया था, तृतीय श्रेणी का पुरस्कार 9 कैंडिडेटों को दिया गया था, और रिकग्निशन जो पुरस्कार था वो 13 कैंडिडेटों को दिया गया था। ठीक है, तो प्रथम पुरस्कार 17 कैंडिडेटों को, द्वितीय पुरस्कार 10 कैंडिडेटों को, तृतीय पुरस्कार 9 कैंडिडेटों को, और रिकग्निशन पुरस्कार 13 कैंडिडेटों को दिया गया था। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिमंडल ने भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवाओं में नियोजन के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट को बढ़ाकर कितने वर्ष करने की स्वीकृति 7 दिसंबर 2020 को दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवाओं में नियोजन के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट को बढ़ाकर कितने वर्ष करने की स्वीकृति 7 दिसंबर 2020 को दी थी? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष या 10 वर्ष? आपको यहां पर सही आंसर बताना है कि यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, बताओ। बताओ भाई लोगों सही आंसर क्या होगा यहां पर, अरे प्यारे साथियों यहां पर उनको कितना, 10 वर्ष का, कितना, 10 वर्ष का, अरे यहां पर सही आंसर आएगा 10 वर्ष की छूट दे दी। अरे 5 वर्ष से उनकी जो मैक्सिमम, जो अधिकतम आयु सीमा होती है उसमें पहले उनको 5 साल की छूट थी और उस 5 साल की छूट को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 8वां क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर हमें मिलान करना है क्वेश्चन में, बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक साइड लिस्ट फर्स्ट दी हुई है, एक साइड लिस्ट सेकंड दी हुई है। यहां पर लिखा हुआ है भोगली, करदनी, हिरणामैन और बंचूरिया, स्त्रियों द्वारा पैरों में पहने जाने वाला आभूषण, स्त्रियों द्वारा नाक में पहने जाने वाला आभूषण, स्त्रियों द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण और स्त्रियों द्वारा कमर में पहने जाने वाला आभूषण। आपको मिलाना है कि भोगली स्त्रियां कहां पर पहनती हैं, करदनी कहां पर पहनती हैं, हिरणामैन कहां पर पहनती हैं और बंचूरिया कहां पर पहनती हैं। आपको बताना है कि ये 4 स्त्रियों के आभूषण हैं और इनको स्त्रियां शरीर के कौन से अंग में पहनती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यदि आपकी अच्छे से तैयारी है, आपने ऑलरेडी मेरा पेड बैच ज्वाइन कर रखा है, तो आप इस क्वेश्चन का 100% आंसर दे चुके होंगे। ठीक है, विदाउट ऑप्शन देखे हुए, ये हैं इसके 4 ऑप्शन आपके बिल्कुल सामने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ यहां पर सही आंसर क्या होगा। तो देखो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। देखो जो भोगली है वो स्त्रियों द्वारा नाक में पहनी जाती है, करदनी स्त्रियों द्वारा कमर में पहनी जाती है, हिरणामैन स्त्रियों द्वारा पाँव में पहनी जाती है, पैरों में पहनी जाती है, और जो बंचूरिया है वो स्त्रियों के द्वारा कान में पहनी जाती है। ठीक है, तो बंचूरिया कान में पहनी जाती है, करदनी कमर में पहनी जाती है, हिरणामैन पैर में पहनी जाती है और भोगली नाक में पहनी जाती है। ठीक है, ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अब मैं यहाँ पर आपके साथ 2 नाक में और कान में पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में चर्चा करता हूं। देखो नाक में,
नाक में पहने जाने वाले आभूषणों में भोगली आती है, नथ आती है। नथ तो सब जानते होंगे, देखो ये आभूषण है, स्त्रियां तो ऑलरेडी जानती हैं लेकिन जेंट्स इनके बारे में अच्छे से नहीं जानते। तो जो बॉयज स्टूडेंट हैं वो भी जब थोड़ा सा पढ़ेंगे इनको तो 100% वो जान जाएंगे। ठीक है, भोगली, नथ, बाली, लौंग, कांटा, चूनी, चोप, बारी, बेसरी। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, भोगली, नथ, बाली, लौंग, कांटा, चूनी, चोप, बारी, बेसरी, ये नाक में पहने जाने वाले आभूषण है। कान में पहने जाने वाले आभूषण बचूरिया है, टोटी है, पूजी है, लूंग है, झुमका है, बाली है, सुरलिया है, पत्ती है, लटकन है, जेला है, ओंगनिया है और कर्णफूल है। ये आभूषण है जो कानों में पहने जाते हैं। अब इनमें से देखो भाई साहब आपको याद कौन कौन से करने। देखो नथ हमें पता है, मोस्टली बॉयज को भी पता है नथ के बारे में, बाली के बारे में, लौंग के बारे में, कांटा के बारे में। ठीक है, ये शब्द हैं चार, तो ये शब्द और एक ये पांचवा शब्द जो हमें कम पता है, बाकी इन चार के बारे में तो हमें अच्छे से पता है। ठीक है, यहां पर देखें तो लटकन के बारे में पता है, बाली के बारे में पता है, झुमका के बारे में पता है, लौंग के बारे में पता है। यहां पर हमें ओगनिया, कर्णफूल, जेला, पूजी, सुरलिया, पत्ती, बचूरिया और टोटी, इनके बारे में नहीं पता है, तो इनको आप याद कर लेना, बाकी याद इन सभी को करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर बाकी दो का आपने यहाँ पर क्यों नहीं दिया एक्सप्लेनेशन, तो भाई फिर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं दिया। अगला क्वेश्चन, गजनेर लिप्त नहर का नया नाम क्या है बताओ। जो गजनेर लिप्त नहर है उसका नया नाम क्या है? पन्नालाल, बारूपाल लिप्त नहर, कंवरसेन लिप्त नहर, कुंभाराम लिप्त नहर, जय नारायण व्यास लिप्त नहर, बताओ। गजनेर लिप्त नहर का नया नाम क्या है? पन्नालाल बारूपाल लिप्त नहर, कंवरसेन लिप्त नहर, कुंभाराम लिप्त नहर या जय नारायण व्यास लिप्त नहर। आपको बताना है कि गजनेर लिप्त नहर का नया नाम क्या है, बताओ भाई गजनेर लिप्त का नया नाम क्या है। अरे भाई साहब मैं पूरा का पूरा ही बता देता हूँ, बाकी गजनेर लिप्त नहर का पुराना नया नाम क्या है? पन्नालाल बारूपाल लिप्त नहर। क्या है? पन्नालाल बारूपाल लिप्त नहर। लेकिन मैं आपको पूरा पूरा ही समझा देता हूँ। देखो एक साइड मैंने पुराने नाम लिख दिए, एक साइड मैंने नए नाम लिख दिए। देखो पुराना नाम है नोहर साहब साहेबा लिप्त नहर। कौन सा? नोहर साहेबा लिप्त नहर। इसका नया नाम है चौधरी कुंभाराम लिप्त नहर। उसके बाद आता है बीकानेर लूणकरण सर लिप्त नहर। इसका नया नाम है कंवरसेन लिप्त नहर। ठीक है, देखो आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारे क्वेश्चन। नोहर साहेबा लिप्त नहर का नया नाम है चौधरी कुंभाराम लिप्त नहर। बीकानेर लूणकरण सर लिप्त नहर का नया नाम है कंवरसेन लिप्त नहर। गजनेर लिप्त नहर का नया नाम है पन्नालाल बारूपाल लिप्त नहर। ठीक है, बैरूदान छालानी लिप्त नहर का नया नाम है वीर तेजाजी लिप्त नहर। कोलायत लिप्त नहर का नया नाम है डॉक्टर करणी सिंह लिप्त नहर। फलोदी लिप्त नहर का नया नाम है गुरु जम्बेश्वर लिप्त नहर। पोकरण लिप्त नहर का नया नाम है जय नारायण व्यास लिप्त नहर। ठीक है, तो ये सारे सारे हमें अच्छे से याद करने हैं। यहाँ पर आपके टोटल 8 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। आप देख सकते हो 7 तो यहाँ से हो गए और 8वां क्वेश्चन से हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न जिलों को उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित करो। राजस्थान के निम्न जिलों को उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित करना है, प्राचीन से नवीन की ओर। सबसे प्राचीन है धौलपुर, 12 हनुमानगढ़ करौली प्रतापगढ़। धौलपुर, 12 करौली हनुमानगढ़ प्रतापगढ़। धौलपुर, करौली, 12 हनुमानगढ़ प्रतापगढ़। धौलपुर, करौली, हनुमानगढ़, 12 प्रतापगढ़। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अरे प्यारे साथियों यहाँ पर सही आंसर क्या होगा मैं बताता हूँ। अरे धौलपुर की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। 12 दौसा राजसमंद 1991 में स्थापित हुए थे। हनुमानगढ़ 1994 में।
करौली 1997 में और प्रतापगढ़ 2008 में, धौलपुर 1982, बारा दोसा राजसमंद 1991, हनुमानगढ़ 1994, करौली 1997 और प्रतापगढ़ 2008 में। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हर क्वेश्चन का आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अब देखो भाई साहब, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो कॉलेज लेक्चर का कंप्लीट सिलेबस का मेरा बैच चला था, जिसमें हमने बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस करवाया था। कंप्लीट सिलेबस का मतलब मैं बता दूं आपको, उसमें पूरा पूरा बैच चलाया था। राजस्थान ज्योग्राफी अलग सर पढ़ाए थे, राजस्थान हिस्ट्री अलग सर, राजस्थान करंट अलग सर, राजस्थान कल्चर अलग, राजस्थान इकोनॉमिक्स अलग, मतलब सारी की सारा सिलेबस अलग अलग टीचरों के द्वारा बहुत शानदार तरीके से करवाया गया था। ठीक है, केवल कॉलेज लेक्चर के लिए हमारा टारगेट था, केवल कॉलेज लेक्चर, हमने किसी अदर एग्जाम को फोकस नहीं किया था। तो यदि अभी तक आपने वो बैच नहीं लिया है तो आप वो बैच जरूर लें, क्योंकि आपके पास सुनहरा मौका है, बहुत शानदार वाला मौका है। चार्ज है ओनली 500 रुपये। ठीक है, इसके मैंने दो बैच बना दिए हैं, समथिंग 1000 के आसपास स्टूडेंट है हमारे इस बैच में, जिसमें इस वाले बैच में ही 499 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद जो मॉडल पेपर का हमारा बैच चल रहा है, ठीक है, तो जो मॉडल पेपर का हमारा बैच चल रहा है, तो मॉडल पेपर वाले बैच में हमारे टोटल 199 कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। 199 कैंडिडेटों ने हमारा मॉडल पेपर वाला बैच ज्वाइन कर लिया है। 15 जून तक एप्लीकेशन आ जाएगा, फिर सारे के सारे मॉडल पेपर एप्लीकेशन पर मिलेंगे। उससे पहले जो पेपर होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। ठीक है, तो 199 कैंडिडेट जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यदि आपने अभी तक मॉडल पेपर के लिए बैच नहीं लिया तो बैच जरूर लें, बहुत शानदार वाला कंटेंट है। दोबारा से समझा रहा हूँ, 13 मॉडल पेपर कंप्लीट सिलेबस के, मतलब 1300 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसमें कम से कम आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तो मतलब 3900 क्वेश्चन ये मिल गए, टोटल 5200 क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा आपको 3 मॉडल पेपर करंट के दूंगा मैं, मतलब एक मॉडल में 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो 300 मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन दूंगा, इनके एक्सप्लेनेशन में भी वही 3 क्वेश्चन रहेंगे कम से कम, तो ये हो गए टोटल 1200 क्वेश्चन। ठीक है, तो 5200 और 1200 कितने होते हैं, आप खुद जोड़ लो तुम, 5200 और 1200 कितने होते हैं, टोटल 6400 क्वेश्चन, और वो भी मात्र 200 रुपये में। ठीक है, लेकिन ये 200 रुपये चार्ज केवल तब तक रहेगा जब तक हमारा एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन आते ही तुरंत चार्ज बढ़ जाएगा। तो आप यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर ज्वाइन करें, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891 35 0470, 7891 35 0470, इनके ऊपर आप कॉल करें, मैसेज करें, चैट करें और हमारा बैच ज्वाइन करें, ये वाला बैच भी और मॉडल पेपर वाला बैच भी। ठीक है, बहुत टाइम है हमारे पास, बहुत शानदार तरीके से तैयारी करेंगे, 100% बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो आप जरूर बैच ज्वाइन करें, मॉडल पेपर का या फिर जीएस का। ठीक है, तो ये था हमारा सारा का सारा प्लान जो हमने आपको बता दिया है ऑलरेडी, और बहुत अच्छे से सीरियस तैयारी रखो, बिल्कुल कंटिन्यू रखो, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो अपनी तैयारी को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सभी साथियों को, थैंक्स देखने के लिए, बाय। और हाँ, कुछ लोगों की क्या होता है, एक उनका कमेंट में बोलते हैं कि सर हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में, मतलब बैच के रिगार्डिंग बात वो कमेंट सेशन में करते हैं, तो बैच के रिगार्डिंग आप बात कमेंट में मत करो, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कर लो, टेलीग्राम पर कर लो, कॉल करके कर लो। क्या वहाँ पर मैं सही ढंग से रिप्लाई नहीं दे पाता, तो इसलिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप इसी नंबर के ऊपर मेरे को बैच से रिगार्डिंग बात करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।